अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे जी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप नई वीडियो बर वक्त आप दोस्तों को मिलती रहे जी। आज की हमारी वीडियो है जी कि आप अपनी गाड़ी में एक्सेल बूट कौन सी कंपनी का रिप्लेस करें। सुजुकी महरान वगैरह, कल्टस वगैरह, इसके मतलब है जी कि आप एक्सेल बूट कौन सी कंपनी के रिप्लेस करें। बाज़ मकैनिक भाई जितने भी हैं मकैनिक हज़रात वो अपनी ज़बान में गोडा बोलते हैं जी, तो बाज़ मकैनिक फ्रंट एक्सेल बोलते हैं। खैर अपनी अपनी ज़बान में मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं मकैनिक भाइयों ने। तो आज हमारी वीडियो इसके ऊपर है जी कि आप कौन सी कंपनी का एक्सेल बूट रिप्लेस करें। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कंपनियों के पड़े हुए हैं जनाब। तो ये हमारे पास जनाब बेस्ट पड़ा हुआ है जी निपोन कंपनी का, ठीक है, अच्छे में निपोन कंपनी का है। उसके बाद ये हमारे पास वीटी आ जाता है जी, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास नोकल में ये आ जाता है जी वीके कंपनी। तो ये नोकल में है जी, बस मैं आपको चेकअप करवा देता हूँ निपोन कंपनी। तो आप जब भी अपनी गाड़ी में एक्सल बूट वगैरह रिप्लेस करवाएं तो निपोन कंपनी का रिप्लेस करवाएं, ये चेक करें, ठीक है। ये क्लिप वगैरह भी इसके चेक करें जैसे ओरिजिनल क्लिप होते हैं, बेस्ट क्वालिटी है ये निपोन में। उसके बाद आप अगर निपोन रिप्लेस नहीं करवा सकते तो वीटी रिप्लेस करवा लें, ये भी मैं आपको चेकअप करवा देता हूँ जी। ये चेक करें वीटी, वीटी में है जी ये, तो इसके बाद जी हमारे पास ये चेक करें, ये भी चेक करें जी लोकल में हमारे पास ये आ जाता है जी। ये अभी आपको वाजिया फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। ये नोकल है, ये चेक करें वीटी में है जी हमारे पास, और ये निपोन कंपनी है जो मैंने आप भाइयों को बताया है जी ओरिजिनल। तो आप जब भी एक्सेल बूट वगैरह रिप्लेस करवाएं तो निपोन कंपनी का रिप्लेस करवाएं, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी का सामना वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ये चेक करें, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है सुजुकी कल्टस, किया सुजुकी महरान, ये सुजुकी जनाब स्विफ्ट, सुजुकी एफ एक्स, ये मतलब जिस मॉडल को ये बूट फिटिंग होते हैं एक्सेल बूट, ये मॉडल वगैरह भी निपोन पे लिखा हुआ है। तो कोशिश करें जब भी कोई चीज़ रिप्लेस करवाएं तो अच्छी रिप्लेस करवाएं। इससे ये होता है कि जब आपके एक्सेल बूट वगैरह ख़राब हो जाएं जल्दी तो आपके जो एक्सेल हैं उनमें धूल मिट्टी जाने की वजह से एक्सेल आपकी गाड़ी के आवाज़ कर जाएंगे। तो कोशिश करें जब भी कोई चीज़ वगैरह रिप्लेस करवाएं तो अच्छी रिप्लेस करवाएं, इससे ये होगा कि आप ज़्यादा ख़र्चे से बचेंगे। अच्छा एक्सेल बूट रिप्लेस कर दें तो आपको परेशानी नहीं होगी। नोकल ये चेक करें, ये बूट नोकल डालने का मेरे ख्याल में कोई मकसद ही नहीं है। तो आप जब भी एक्सेल बूट रिप्लेस करवाएं निपोन का करवाएं, नहीं तो वीटी करवा लें, इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर पीजीआर आपको अवेलेबल हो तो पीजीआर भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद रिप्लेस कर रहे हैं, कोई क्लेम वगैरह नहीं है। निपोन कर लें, वीटी कर लें, पीजीआर कर लें, इंशाल्लाह तीनों कंपनियाँ बेस्ट हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा जी। ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी वीडियो आप दोस्तों से शेयर करनी थी, इंशाल्लाह ये टिप आपको पसंद आएगी जी। तो इजाज़त दें जी, नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा जी। अल्लाह हाफिज़।